स्टूडेंट वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल। तो बच्चों आज पाठ पढ़ेंगे जो कि है भाषा। भाषा में ये जानेंगे भाषा किसे कहते हैं और ये किस शब्द से बना है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और उसके डेफिनेशन वगैरह हम पढ़ेंगे। तो बच्चों अब देखो, भाषा शब्द भाष से बना है जिसका अर्थ है बोलना। कि भाषा जो शब्द है वो भाष से बना है और जिसका अर्थ है बोलना। जिस प्रकार हम अपनी बात अन्य व्यक्ति को समझाते हैं तथा जिस प्रकार वह हमारी बात को समझता है वह भाषा कहलाती है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि हम अपनी बात जैसे अन्य व्यक्ति को समझाते हैं तथा वह हमारी बात उसी से तरीके से समझता है तो हम उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो इसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। मौखिक वो होता है जो हम मुँह से बोलते हैं। अब जैसे कि बच्चों इस पिक्चर में देखो, इसमें जो ये लड़का है वो इस वाले लड़के से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो ये उत्तर देता है मेरा नाम राज है। फिर दूसरी वाली पिक्चर में जो नहीं ये लड़की होती है वो ये पूछती है तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो ये बच्चा रिप्लाई देता है मैं कक्षा फर्स्ट में पढ़ता हूँ। तो जैसे कि ये बातचीत कर रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरे व्यक्ति को समझ आ रहा है, इसी चीज़ को हम भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, इसी चीज़ को हम भाषा कहते हैं। ये होता है मुँह से बोलना, जो हम मुँह से बोल कर बातें करते हैं वो होता है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ मुँह से बोल के कर रही हूँ तो ये मौखिक हुआ। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो सेकंड था लिखित भाषा वो होती है जिसमें हम लिख के बोलते हैं, हम जिसमें खाली लिख के बोलते हैं लिखित भाषा। जैसे कि तीसरी पिक्चर में देखोगे तो इसमें गुड़िया ने बोला है माता जी को चिट्ठी लिखती हूँ, तो इसमें वो लिखने का काम कर रही है, तो इसको ही हम लिखित भाषा कहते हैं जिसमें हम लिखकर बोलते हैं और अगले व्यक्ति को समझ आता है। अब जैसे कि चौथे वाले पिक्चर में गुड़िया लिखती है आदरणीय माता जी सादर चरण स्पर्श, इसमें जब वो अपनी माता जी को पत्र लिखती हैं तो उसमें जैसे कि लिखते हैं प्रिय वगैरह, प्रिय छोटे वगैरह के लिए लिखते हैं और आदर सादर चरण स्पर्श ये हम बड़े लोगों के लिए लिखते हैं। तो गुड़िया वही लिख रही हैं आदरणीय माता जी सादर चरण स्पर्श। तो बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों अब हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमने पीछे अभी जितना पढ़ा कि उसमें एक बच्चा दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि आप कौन सी क्लास में, तो दूसरा बच्चा बताता है कि मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है मेरा नाम राज है। और लिखित में ये था कि उसमें एक गुड़िया पत्र लिखती होती है अपनी माता जी को। और फिर चौथी पिक्चर में ये होता है वो जैसे कि आदरणीय माता जी सदर चरण स्पर्श लिखते हैं वो पढ़ा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने पढ़ा हम दूसरों को अपनी बात बोलकर समझाते हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी बात बोलकर समझा रही हूँ वही है, आपको समझ आ रहा है। सेकंड पॉइंट है हम अपनी बात को लिखकर भी समझाते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई वर्ड लिख के समझा रही हूँ, आप मैं उसे लिख रही हूँ और आप उसे समझियो, उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो सुनना, हमें देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।
इसमें नेता भाषण दे रहा है, बाकी की जनता उसे सुन रही है, तो बाकी जनता इसे सुनने का काम कर रही है। और फिर जो अगली पिक्चर है उसमें बोला है, जो ये व्यक्ति है वो बोल रहा है, हमें लड़कियों को अधिक से अधिक शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो इसमें व्यक्ति है वो बाकी लोगों से बोल रहा है कि हमें अधिक से अधिक लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, ये भी इसमें ये व्यक्ति बोल रहा है और बाकी की पूरी जनता सुन रही है। अब इसके अगले पिक्चर में चलते हैं, जो इसके थर्ड पिक है उसमें पढ़ना है। अब जैसे कि ये अध्यापिका है और ये है ये स्टूडेंट है, तो इसमें अध्यापिका बोलती है स्टूडेंट से, मोना व्याकरण का 5वां अध्याय पढ़ो। तो इसमें मोना बोल रही है, पढ़ने के लिए बोल रही है बच्चों से कि बच्चों की मोना, जो इसमें मोना नाम की बच्ची है उससे बोल रही है कि तुम व्याकरण का 5वां पाठ पढ़ो। जो इसके अगली पिक्चर है उसमें ये बच्ची पढ़ रही है और बाकी के सारे सुन रहे हैं। तो ये बोलती है, वचन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। तो बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो हमने अभी तक पढ़ा हम अब उसके बारे में जानेंगे। हम दूसरों की कही गई बातों को सुनकर समझते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप उसे सुनकर समझ रहे हो। जैसे रेडियो वगैरह चलते हैं तो आप उसे सुनकर ही समझते हो। और जो सेकंड पॉइंट है, हम दूसरों को लिखी गई बातों को पढ़कर भी समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा है आप उसे पढ़कर ही समझ रहे हो। इसी प्रकार हम दूसरों को अपनी बात समझने के लिए बोलते तथा लिखते हैं, तथा उनके द्वारा कही अथवा लिखी गई बातों को समझने के लिए सुनते तथा पढ़ते हैं। तो इसमें यही कहा गया है, हम दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए बोलने और लिखने का प्रयोग करते हैं, तथा उसी के द्वारा कही गई या लिखी गई बातों को समझने के लिए हम सुनने और पढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी ये देखो, लिखने पढ़ने में जो आए अपनी भाषा वही कहलाए, वो कहलाए कि जो हम लिखते हैं पढ़ते हैं जो भी उसमें आए वही अपनी भाषा कहलाती है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की तरफ, प्रैक्टिस सेट के ऊपर। ये आपके लिए नोट्स वगैरह एंड प्रैक्टिस सेट है। अब भाषा जो अब हमने अभी पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि भाषा किन शब्दों से बना है, किसे कहते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। देखो अब भाषा शब्द भाष्य से बना है, यही हमने पढ़ा था, भाषा शब्द भाष्य से बना है। और भाषा किसे कहते हैं, भाषा अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। जो हमारे मन के विचार होते हैं उससे प्रकट करने को हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार रूप, हम इसे भाषा के प्रकार या रूप भी कह सकते हैं कि ये भाषा के प्रकार कितने होते हैं या रूप कितने होते हैं। तो भाषा के प्रकार या रूप 2 होते हैं, पहला होता है मौखिक मुँह से बोलना, दूसरा होता है लिखित हाथ से लिखना। अब हम जानते हैं मौखिक भाषा होता क्या है। अपने मन के विचारों मुंह से बोलकर दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं अपने मन के विचारों को बोलकर आप लोगों को समझा रही हूँ तो वो क्या है, मौखिक भाषा। जैसे एग्जांपल्स के लिए, जैसे टेलीफोन सिर्फ जब दूसरा बंदा कोई बोलता है तो हम उससे सुन ही सकते हैं,
दूसरा बंदा बोल रहा है या फिर टेलीफोन पे आप भी बात करते हो तो आप खाली बोलते हो, जैसे रेडियो, टीवी, भाषण आदि। अगर उसमें कोई बंदा एक बोल रहा होता है तो आप उसे सुन नहीं सकते हो। तो हम बढ़ते हैं लिखित भाषा के ऊपर। लिखित भाषा होता क्या है? अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र, समाचार पत्र, कहानी, पुस्तक आदि। जिसमें खाली लिखा होता है, जैसे पुस्तक वगैरह, उसमें लिखा होता है, आप उसे पढ़कर समझते हो। समाचार पत्र वगैरह, उसे तो कोई सुनाता नहीं है, तो उसे हम पढ़कर ही समझते हैं। उसमें खाली लिखा होता है, जैसे कहानी वगैरह वो लिखी होती है, आप पढ़ के समझते हो भैया। अब जैसे कि ये नोट है, जैसे कि अभी मैं ना बोलूँ तो आप इसे अपने आप पढ़ के समझ सकते हो भैया। अब हम जानेंगे भारत में बोली जाने वाली भाषा, मतलब अलग अलग राज्य और कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो कौन से राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, बंगाल में बोली जाती है बंगल, उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया, कर्नाटक में बोली जाती कन्नड़, पंजाब में बोली जाती पंजाबी, केरल में बोली जाती मलयालम, उत्तर प्रदेश में हिंदी, असम में असमिया, राजस्थान में राजस्थानी। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ, प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको उसका जवाब देने होंगे। अब बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं? जो मैंने आपको अभी जब चैप्टर करा रही थी तब मैंने आपको बताया था भाषा के प्रकार और रूप एक ही होते हैं, तो आपने उसमें पढ़ा होगा। तो भाषा के प्रकार दो होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? जो हम पत्र लिखते हैं वो भाषा का कौन सा रूप है? हम उसे लिखते हैं तो लिखने से ही पता चलता है कि वह लिखित रूप है। जिसका थर्ड क्वेश्चन है वो है, भाषा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? कि भाषा जो है हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना महत्व है? तो इसका उत्तर है, अपनी बात को एक दूसरे को समझाने के लिए। जैसे कि भाषा इसलिए इम्पोर्टेंट है, अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए, उसकी बात को हम खुद समझें, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे की बातों को समझने के लिए भाषा जरूरी है, उपयोगी है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक तथा लिखित बात को डैश के तरीके हैं। जो मौखिक तथा लिखित है वो बात के कैसे है? समझने के लिए या समझाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। हम बोलने और लिखने का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो हम समझने के लिए करते हैं, तो हम उसे समझाने के लिए प्रयोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सुनना तथा पढ़ना बात को डैश के तरीके हैं। तो ऑप्शन है समझने के लिए, समझाने के लिए या कोई नहीं। हम सुनने और पढ़ने का तरीके का मतलब हम सुनने और पढ़ने का किस लिए उपयोग करते हैं? समझने के लिए, हम सुनते हैं समझने के लिए, पढ़ते हैं तो समझने के लिए, और जैसे कि हम बोलते हैं या लिखते हैं तो दूसरों को समझाने के लिए। तो ऐसे ही आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों जो इसका सेकंड क्वेश्चन है अब वो देखते हैं।
अब इसमें यह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा जब मैं आपको चैप्टर करा रही थी तो मैंने सबसे पहले यही बताया था कि भाषा किस शब्द से बना है और भाषा किसे कहते हैं, तो हम उसे जानेंगे। अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, पुस्तक के अध्याय को किस प्रकार समझाया जाता है? तो जो पुस्तक के अध्याय होते हैं, जैसे कि ये पुस्तक है, इसको कैसे समझाया जाएगा? तो जैसे कि मैं आपको पढ़कर समझा रही हूँ, तो इसका आंसर वही है कि पुस्तक के अध्याय को पढ़कर समझाया जाता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, रेडियो में किस प्रकार समझाया जाता है? इसका आंसर है, रेडियो में बोलकर समझाया जाता है। सो बच्चों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, आज के चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। एंड आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड वेलकम।